बाल दिवस के मौके पर पुलिस विभाग द्वारा कोरबा जिले के उन छात्रों का सम्मान किया गया जिन्होंने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान एसपी संतोष सिंह ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बाल दिवस के मौके को यादगार बनाने के लिए जिला पुलिस बल द्वारा बाल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों का सम्मान करना था जिन्होंने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। एसपी संतोष सिंह ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में कोरबा का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी और मेरिट में आने वाले छात्रों का स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी ने सभी बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते ही सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जाता है, लिहाजा वे अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए लगातार मेहनत करें। बच्चों को एक तो उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया गया, उनसे बातचीत की गई, उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया गया कि उनको और प्रोत्साहित करते रहें। साथ ही साथ ऐसे बच्चों का हम लोगों ने सम्मान भी किया, उनको एक जो पुलिस द्वारा एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया और उनको ये एक प्रेरणा भी दी गई कि अपने लाइफ में वो अच्छा करें। बाल सम्मान समारोह के दौरान कोरबा के नन्ही किक बॉक्सिंग खिलाड़ी कीर्ति शर्मा का भी सम्मान किया गया। कीर्ति ने राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया था। एसपी के हाथों सम्मान पाकर कीर्ति काफी हर्षित नजर आई और उन्होंने पुलिस कप्तान को धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं किक बॉक्सिंग खेलती हूँ और मुझे राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग क्रीड़ा खेल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और आज बाल दिवस पर मुझे सम्मानित किया गया है। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद मुझे सम्मानित करने के लिए और हम जैसे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। पुलिस विभाग के इस प्रयास से निश्चित ही छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें भविष्य में और भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए इमानुएल तांडे की रिपोर्ट।